बहन जी मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तुझे मैं बहन जी नजर आ रही हूँ? और क्या कह रही है यहाँ पे बैठेगी? तू और मेरे लेवल में बैठने के लायक है? तू अपनी औकात देख रही है? चल ऐसा करती हूँ, बैठा ही लेती हूँ। बैठ जा, बहुत शौक है ना मेरे बराबर में बैठने का, आ जा। क्या अजीब ही औरत है यार तू, कीली चेयर पे बैठ गई। हाँ मैं बैठ गई, अब तुझे जो करना है ना करके दिखा। तू तो बहुत बेशरम है, तू कम से कम अपनी औकात तो देख ले, तू मेरे बराबर बैठना चाहती है। एटलीस्ट तुझसे तो कम में बेशरम हूँ। तू कितनी बेशरम है ना, और तेरे में इतनी अकड़, तू मेरे बराबर में आके बैठ गई। तेरी औकात तो मैं तुझे अभी दिखाती हूँ, तू मेरे साथ स्टैंडर्ड मैच करने आई है। अपना हुलिया देख रही है, 100 साल पुराना सूट पहन के आई है, पता नहीं कौन सी अम्मा का। तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना रिच है? अभी ना सेकंड में तुझे यहाँ से उठवा के ना बाहर फेंकवा सकती हूँ मैं। वैसे कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बुलाओ देखती हूँ। तेरी अकड़ तो ना मैं अभी ठिकाने लगवाती हूँ, तो जैसे को तो ना अपने घर में काम के लिए भी ना रखूँ मैं। हेलो अजगर, कहाँ हो तुम? फटाफट आओ यार। ठीक है, 2 मिनट वेट कर, तुझे भी मैं बताती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है और मैं कौन हूँ। बहुत अकड़ है ना तुझ में। अरे क्या हुआ प्रियंका, क्यों बुला लिया इतनी जल्दी? अच्छा यार अजगर आ गए, इस बहन जी ने इतनी देर से दिमाग खराब कर रखा था मेरा। अरे तुम लोगों ने बातें भी शुरू कर दी, और वो भी मेरे आए बगैर। मिलो मेरी दीदी है। व्हाट, ये बहन जी तुम्हारी दीदी? ये कैसी बातें कर रही है प्रियंका, ये मेरी बहन है। क्या हुआ दीदी, कुछ बात हुई है क्या यहाँ पे? हाँ मिल भी लिया और जान पहचान भी हो गई। मेरे पीठ पीछे इतनी सारी बातें हो गई और मुझे पता भी नहीं लगा। वैसे क्या बात है तुम दोनों के बीच में, मुझे भी तो जरा पता लगे। अजगर सच में ये तुम्हारी बहन है? हाँ हाँ यही तो मेरी बहन है। तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरी बहन ने ना अपनी पढ़ाई छोड़ के ना मेरी पढ़ाई कर रही है, और जो भी जिस मकाम पे मैं आज हूँ ना वो मेरी बहन की बदौलत है। जो कुछ भी दिया है ना वो मेरी बहन का दिया हुआ है। मैं अपनी बहन की ना अपने माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ, तुम्हें पता है। जाने अनजाने में मैंने इनको बहुत उल्टा बोल दिया। क्या बोल रहे हो तुम, ये कैसी बातें? दीदी क्या हुआ आप मुझे बताओगी, क्या गलत बोला इसने? तुम इससे ही पूछ लो, क्या इसने बोला है, क्या इसने मेरे साथ किया है। प्रियंका तुमने क्या बोला मेरी दीदी से? वो आके मुझसे बदतमीजी करने लगी, उसके बाद फिर। एक मिनट, मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जब मैं तुमसे बोली कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, तुमने क्या किया, पानी गिरा दी चेयर के ऊपर, उसके बावजूद भी मैं इस चेयर पर बैठी। और हाँ अजगर तुम बहुत अमीर हो। नहीं नहीं दीदी ये कैसी बातें कर रही हो, ये सब तो आपका ही है और आपके ही तो सब कुछ है, आपकी बदौलत तो मैं यहाँ पे हूँ। और ये तुमने क्या करा, मेरी बहन को गीली चेयर पे बैठा है। अरे क्या करा दीदी, मैं प्रियंका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ना इसे छोड़ नहीं सकता, पर आखिरी फैसला आप ही करोगे, जैसा आप बोलो। या तो तुम इसे छोड़ दो या तो तुम मुझे छोड़ दो, ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ती हूँ। प्रियंका आज के बाद ना ही मुझे कॉल करना ना ही मैसेज, और मिलने की भी कोशिश मत करना। बहन चलो मेरी बात तो सुनो। चलो बहन।